ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक नो कांटेक्ट पे लव टैरो रीडिंग लेके आए हैं, जो कि होगी बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक फॉर द न्यू वीक, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज, उनके लव मैसेजेस, एंड देन हम आप उनके डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। ठीक है, सो ये होगा हमारी इस रीडिंग का मेन एजेंडा। बट उससे पहले आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होगे। ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छा कर रहे हो लाइफ में। सो इस रीडिंग में आप इसे सन एंड मून साइन या फिर अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं, जिससे भी आपको ज़्यादा रेजोनेट करे। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रीडिंग को अगर आप पसंद करते हैं और पहले भी आप लोग मेरी रीडिंग्स पसंद करते आए हैं, तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करा करें। एक तो वो रीडिंग्स आप जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे तो उससे मुझे मिलता तो कुछ नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो रीडिंग्स पहुँचती हैं। सो जिसको भी हेल्प चाहिए या जिसको भी ज़रूरत हो, ये रीडिंग्स उन लोगों तक पहुँचती हैं। बस लाइक से एक यही फ़र्क होता है कि वो रीडिंग को बूस्ट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम जल्दी से अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो वर्गो यानी कि कन्या राशि। फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्या है आप लोगों की करंट सिचुएशन कहें या फीलिंग्स कहें, जो आप अगले एक सप्ताह में रहने वाले हैं स्नो कांटेक्ट में। ठीक है, क्या है आपकी सिचुएशन? अवेकनिंग, सिक्स ऑफ फायर, ईगो, एंड नाइन ऑफ अर्थ। देखिए, मुझे जो दिख रहा है ना वर्गोस आपके लिए, कि ये जो समय जो बीत रहा है अभी फिलहाल स्नो कांटेक्ट में, कहीं ना कहीं आपको, देखिए आज आप प्लीज़ बुरा मत मानेगा कि मैंने आपके लिए कोई गलत बात कही या फिर मैंने थोड़ी सी हार्श रीडिंग करी है। आपको अगर खुद पे बहुत यकीन था ना कि देखिए मेरी लाइफ में तो अच्छा होगा ही होगा, या आप बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि मैं, क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ तो मेरे लिए रिलेशनशिप बढ़िया ही होगा। देखिए, इस चीज़ से ना आपको कहीं ना कहीं एक, इस केज से अगर आप फोटो में देखें, केज में एक परिंदा बैठा है। ठीक है, इस सोच पे जो आप एक बैठे हुए थे ना, वो निकल गई है अभी फ़िलहाल। मुझे जो दिख रहा है ना कि लाइफ आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रही है कि अपनी वैल्यू करना सीखो, अपने साथ निभाना सीखो। आप शायद बहुत ज़्यादा क्लियर थे या बहुत ज़्यादा श्योर थे कि रिलेशनशिप तो मेरा हर हाल में ही निभेगा, ये पर्सन तो मेरे को ज़िंदगी की हर वो खुशी देगा ही देगा। पता नहीं, आपका शायद ओवर कॉन्फिडेंस था और वो आपकी ईगो बढ़ा रहा था। आपको इस रिलेशनशिप पे ओवर कॉन्फिडेंस था या आपको अपनी अच्छाई पे ओवर कॉन्फिडेंस था? मैं आज आपको बताऊं, आप अच्छा कर रहे थे रिलेशनशिप में, इसलिए आपको लगता था मेरे साथ बुरा होगा ही नहीं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता, लोग अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करते हैं। ठीक है, आपने हमेशा ये चाहा कि मेरे और उनके बीच में स्टेबिलिटी रहे, आपने हमेशा चाहा कि हम दोनों के बीच में प्यार रहे, आपने हमेशा चाहा कि हम दोनों का हमेशा साथ बना रहे, लेकिन वो इंसान नहीं चाहता वैसा, वो डिफरेंट रहा। वो इंसान कहीं ना कहीं आकर उसने इस लाइफ में आपका ज़िंदगी देखने का एक नज़रिया बदल दिया। अगर आप किस्मत के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते थे, तो उसने बोला सिर्फ हार्डवर्क या मेहनत ही नहीं होती, किस्मत भी, लक भी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है। ठीक है, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। हम अक्सर कोशिश करते रहते हैं, अरे मैंने इतना किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में भी होती हैं, क्यों वो हमारे साथ कर रहा है। कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वर्गोज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ। आप इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं सामने वाले को कि फिर वो इंसान खुदा बन जाता है आपकी लाइफ में।
आपकी यही गलती है कि आपको उसे खुदा नहीं बनाना, आपको उसे एक इंसान ही रखना है। अरे अगर इंसान बन के वो आपको छोड़ देता तो छोड़ देना क्या हो गया, और आप सोचते कि नहीं ये मेरा खुदा है तो ये जीवन भर मेरा खुदा ही बना रहे। अगर आप इस थॉट प्रोसेस में चलते हैं तो यही आपकी गलती है, यही भ्रम आपका ऊपर वाला तोड़ना चाहता था और वो उसने तोड़ भी दिया होगा, शायद बहुत सारे वर्गों का तोड़ा होगा। टू मच अटैचमेंट, टू मच लव, टू मच एफर्ट डालना, अपनी स्टेबिलिटी सिर्फ दूसरे के अंदर ढूंढते रहना, तोड़ा उसने आपका भ्रम। और ये चीज़ आपको पता भी है, ये चीज़ आपको फील होती होगी। देखते हैं आपका पार्टनर किस एनर्जी में है, वो क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है, सॉरी अगले एक हफ्ते उसकी क्या थॉट प्रोसेस रहेगी। सो वर्गो के पार्टनर की अगले एक वीक क्या थॉट प्रोसेस रहेगी, आइए जानते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है बिल्कुल पलट, यानी कि रिवर्स। देखिए आपका पार्टनर इस टाइम बहुत दिमाग से चल रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने अब तक उसको बहुत ज़्यादा लव 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 दिखाया। अब आपकी एनर्जी बदलने लगी है, अब आपको जो अवेकनिंग हो रही है, अब जो आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है, अरे यार मैं तो पता नहीं क्या ही कर रहा था, मैं तो क्या ही कर रही थी, मैंने तो सामने वाले की रियलिटी देखी ही नहीं और मैं अपनी धुन में लगी हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा एक झटका आपको लगा है लाइफ में वर्गोस, और इसकी रियलिटी, इसकी अवेकनिंग आपको ज़रूर हुई है। और अब आपका पार्टनर सोचता है कि वर्गो इतना ज़्यादा डेढ़शाणा कैसे हो गया, आखिर ऐसे कैसे वो इतना स्मार्ट बन गया, आखिर ऐसे कैसे वो इतना क्लेवर बन गया, वो तो था ही नहीं, मैं तो अब तक उसके साथ मेंटल गेम्स खेलता आया और वो तो पागल भी बन रहा था, बट अब बन क्यों नहीं रहा, अब क्यों नहीं वो मेरे जाल में फंस रहा, अब तो मैं अपने सारे पैंतरे आजमा लिए, ऐसा सा सोचता है वो इंसान, क्योंकि उस आपकी वजह से उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आपने उसके होश उड़ा दिए और आपने अपने होश, उसके होश इसलिए उड़ाने शुरू करे क्योंकि आपके खुद के उड़ गए हैं। आप जिस इमोशनल दुनिया में जीते रहते थे उसने वो भ्रम तोड़ा, और अब आप उसके भ्रम तोड़ रहे हैं कि सारी दुनिया इमोशनल बेवकूफ़ भी नहीं होती, वो एक टाइम के बाद प्रैक्टिकल भी बन जाती है। सो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं, जिसमें वो घबराए घबराए से और अपना चाणक्य वाला दिमाग फिर से ज़्यादा ही चला रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है लव मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए, क्या वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। यू आर ऑनेस्ट विद मी, देखिए आप तो हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं, आपने हमेशा उनके बस कदमों में ही पड़े रहे, मेरे को तो ऐसा लगता है। वर्गोस की आदत होती है टू मच करने की, यू आर क्रेजी एंड डार्की, बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा लव दिखा दिया, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़रूरत ही नहीं थी वर्गोस, ज़्यादा मीठा डालोगे तो कीड़े पड़ेंगे ही ना, आपने बहुत ज़्यादा कर दिया। और वही चीज़ इस इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस दे गई, ये कुछ भी नहीं था आपके आगे, लेकिन क्योंकि आपने इसको खुदा बना दिया अब आपको भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। डिवाइन गाइडेंस है फर्म फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन पे काम करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ इमोशनली प्रैक्टिकली, खुद को स्ट्रांग बनाओ, बेवकूफ़ बनना छोड़ दो, इडियट बनना छोड़ दो रिश्ते में, ठीक है, दिमाग चलाओ। एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो वक्त जो है आपका बदलने वाला है, चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग चेंज होने वाली हैं, जो अब तक आपके हाथ से चीज़ें निकल रही थी वो अब आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। तो और ध्यान रखना हर एक चीज़ का, कोई भी कर्म जो अपने आप हाथों से कर रहे हैं उसमें क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है। सो ये है वर्गो राशि आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर ऊपर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मिलूंगी अब अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।